हम आज से हमारे भारत के 3 नए कानून लागू कर रहे हैं, जिसमें BNS भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो पारित हुआ था, और आज वो अवसर है, आज वो दिन है कि हम 1 जुलाई से इनको लागू कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले की पुलिस अधीक्षक आदरणीय श्रीमती हितिका वासल मैम, इस परिसर में जहां हम बैठे हुए हैं इंडेक्स ग्रुप के डायरेक्टर सुरेश भदौरिया जी, यहां उपस्थित बाकी अतिथिगण, हमारे थाना प्रभारी, और साथ में आज ना केवल जो डॉक्टर्स हैं हमारे बीच हैं, क्योंकि मैं आपको भी आज बधाई देना चाहता हूं कि आज वर्ल्ड डॉक्टर डे है, आज बहुत ही शुभ दिन है आपके लिए भी, आप एक जोरदार तालियां बजाएं। और हमारे साथ सबसे बड़ी आज क्यों हमने ये रखा है कार्यक्रम, क्योंकि जनता को इससे क्या फ़ायदा होगा, और जनता के बीच में ये चीज़ें जानी चाहिए कि पुलिस अब किस तरीके से कार्रवाई करेगी, नए जो कानून सरकार ने बनाए हैं वो किस तरह से आपके लिए लाभप्रद होंगे। उस बीच में हमारे बीच में सभी जो हमारे बैल थाना क्षेत्र के गांव के सरपंच हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, नागरिक हैं, महिलाएं हैं, बच्चे सभी यहां उपस्थित हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। आज एक ऐसा दिन है जब अभी बहुत डिटेल में आपको हमारे बीच में जो विधि विशेषज्ञ हैं वो बताएंगे कि इस कानून के बनने से क्या होगा। मूल रूप से यह देखा जा रहा है कि जो हमारा ITC बना हुआ था, अभी तक हम आप हमेशा समझते थे कि 300 तो हो गया है, तो कॉमन भाषा में आपकी समस्या था कि हत्या हो गई है, हर व्यक्ति को मालूम था, लेकिन अब वो 300 तो नहीं रहेगा। तो ये कानून में चेंजेस जो हुए हैं उसमें पब्लिक को क्या लाभ होंगे। पहले जो कानून बने थे वो भारतीय दंड संहिता उस नाम से बने थे, ब्रिटिश काल के जो कानून थे वो इसलिए बनाए गए थे कि किस तरीके से वो जो भारतीय लोग हैं उन पर राज कर सकें, उनको दंडित करने के ज़्यादा कानून थे, उनको भारत सरकार के द्वारा, यहाँ के सारे विधि विशेषज्ञ हैं उसमें, भारत सरकार के अधिकारी हैं, हमारे भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, और कई सारे लोग जो इसके विशेषज्ञ रहे हैं, उन सब ने मिलकर काफ़ी सालों में रिसर्च करके इन तीनों कानून को रिप्लेस किया है, और आज ये गौरव का दिन है कि आज से वो कानून यहाँ हमारे बीच में लागू हो रहे हैं। तो इनमें जो बारीकियाँ रहेंगी, इनसे जो लाभ मिलेगा, इसमें पुलिस के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट अब रहेंगे आने वाले समय में, क्योंकि पहले जो कानून थे वो दंड के लिए 511 एक्ट बनाए हुए थे, अब भारत सरकार ने उनको कम करते हुए 358 कर दिया है। जो हमारा प्रोसीजर है उसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, जो पारदर्शिता है पुलिस की, न्याय व्यवस्था की जो पारदर्शिता है वो अब हम लोग देख पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़े केसेस होंगे, जो गंभीर अपराध होंगे, उनकी जो भी आप घटनास्थल पर हमारा पुलिस अधिकारी जाएगा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, उसके फोटोज़ होंगे, और उसके अलावा जब आप ये सारा केस न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा तो न्यायालय में भी जब केस पूरा हो जाएगा तो उसकी भी समय सीमा दी गई है, 30 दिनों, 45 दिन, ये समय सीमाएं दी गई हैं। तो इससे बहुत सारे लाभ होंगे, जो छोटे बच्चे हैं, 15 साल से छोटे बच्चे हैं, या बुज़ुर्ग लोग हैं, 60 साल से उम्र के अधिक के लोग हैं, या जो दिव्यांगजन हैं, या महिलाएँ हैं, अगर ये कहीं पीड़ित हैं तो हम उनके घर में जाके पुलिस जाएगी और उनके बयान लेगी। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो अभी तक हमारे कानून में ग्राह नहीं थे उनको भी अब इसमें ग्राह किया गया है। अगर कोई बहुत दूरी पे है और उसको एविडेंस देने में आने में दिक्कत है तो हम उसका ऑनलाइन या मोबाइल के थ्रू भी उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे, और वो उतना ही ऑथेंटिक होगा जितना कोई दस्तावेज होता है। तो ये बहुत अच्छे कानून हैं, इनके बारे में हम सबको जानना चाहिए। इसमें बहुत सारी ऐसी सहायता हैं जो विधिक सहायता हैं, मेडिकल सहायता हैं, मुआवजे हैं, इन सब का प्रावधान किया गया है। तो निश्चित रूप से जब आगे आने वाले टाइम है उसमें जनता के बीच में भी ये सब बातें जाएंगी, और जो पुलिस की चुनौतियां हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे लिए और अधिक बढ़ भी गई हैं, क्योंकि एक ये नया दायित्व है कि हम जो भारत सरकार ने जो विधान लागू किए हैं उनका बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से, और उसकी पूर्व तैयारी भी हम लोग, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी, चाहे हमारे मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक महोदय हों या हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी, IG साहब, DIG साहब,
एसपी मैडम खुद लगातार पिछले एक माह से इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस के लिए यह चुनौती है कि जो पिछले 150 साल से हम जिन धाराओं के अंतर्गत हमारा एक हेड कांस्टेबल भी कार्रवाई करता है, उसको ये सारे नए कानूनों का ज्ञान देना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको कैसे इम्प्लीमेंट कराना है, कैसे मॉक ड्रिल उनकी करानी है, तो इसमें बहुत मेहनत हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने की है और उसका परिणाम आगे आने वाले समय में मिलेगा।